एक कंपटीशन खेलेंगे। रेडी 1 2 3। दिवाली के बाद भी ओटीटी पर धमाका जारी है। अपूर्वा से द रेलवे मैन तक देखिए ये 10 वेब सीरीज मूवीज। हर हफ्ते की तरह इस वीक भी ओटीटी पर कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, यानी दिवाली के बाद भी ओटीटी पर धमाका जारी होने वाला है। इस लिस्ट में आर माधवन की द रेलवे मैन से लेकर हॉलीवुड की भी कई शोर और मूवीज शामिल है। ओटीटी यानी द ओवर द टॉप की ओपकी किसी भी सिनेमा लवर के लिए ओटीटी एक समंदर की तरह है, जिसके भी एक गोता लगाया वो जल्दी वापस नहीं आने वाला है। सिनेमा लवर्स के लिए एक खजाने की तरह है, जहां ढेर सारे कंटेंट है। यहां हर जो जोनर के वेब सीरीज है, धमाकेदार मूवीज है, डरना है या डराना है, एक्शन स्टंट दिखाना है या रोमांस करना है, हर हफ्ते आपको कुछ नया देखने को मिलने वाला है। हम एक बार फिर और आपको सामने लेकर आ गए हैं वीकेंड ओटीटी रिलीज, यानी इस हफ्ते डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जियो सिनेमा, प्राइम वीडियो या फिर नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट, यानी इस हफ्ते क्या क्या खास आने वाला है। नंबर 1 पर आई है अपूर्वा। निखिल नागेश भटके डायरेक्टर में बनी फिल्म अपूर्वा तारा सुतारिया की डिजिटल शुरुआत है, ये कह सकते हैं। ये एक सर्वाइवर ड्रामा फिल्म है। कहानी साधारण लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे किडनैप कर लिया जाता है और वो खुद को धोखे की दुनिया में फंसा पाती है। इसमें अभिषेक वर्जनी, थेरिय करवा और राजपाल यादव भी शामिल है। रिलीज डेट की बात करें तो 15 नवंबर 2023 को ये फिल्म रिलीज होने वाली है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर आती है बॉलीवुड की द क्राइम सीजन 6। द क्राउन का छठा और आखिरी सीजन, जो महारानी एलिजाबेथ सेकंड के जीवन में आसन काल के बेस्ट है, नेटफ्लिक्स इन 2 किस्तों में जारी करेगा। फिर पहले 4 एपिसोड 16 सितंबर को रिलीज किए गए, बाकी के 6 और 14 सितंबर को किए जाएंगे। रिलीज डेट की बात करें तो 16 नवंबर 2023 और नेटफ्लिक्स पर आपको ये सीरीज देखने को मिल जाएगी। तीसरे नंबर की बात करें तो इन द लव डीप वाटर, समुद्र में एक शिप विशाल लग्जरी क्रूज जहाज पर वफादार बटलर सुरुज और एक रहस्यमय महिला जिसका नाम है सिजुआ, अब वे जहाज पर होने वाले कहीं हत्या का रहस्य उलझन करने की कोशिश करते हैं। तो चिरुज एक दूसरे से टकराते हैं, वे जहाज पर होने वाली कई रहस्यमय हत्याओं को सुलझाने का प्रयास करते और रास्ता पार करते हैं। रिलीज की बात करें तो 16 नवंबर 2023 को यह सीरीज रिलीज होने वाली है और नेटफ्लिक्स पर हमें यह देखने को मिल जाएगी। 4 नंबर की बात करें तो चिट्ठा फिल्म का नाम है। एक आदमी अपनी भतीजी को अपनी बेटी की तरह पाल रहा है और उनके जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है, जब तक कि उनकी छोटी भांजी लापता नहीं हो जाती है। इसी कहानी के इर्द गिर्द घूमती है यह पूरी फिल्म। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो 17 नवंबर 2023 को ये फिल्म रिलीज होने वाली है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हमें ये फिल्म देखने को मिल जाएगी। 5 नंबर पर आती है सुखी। सुखी एक कॉमेडी मूवी है जिसने शिल्पा शेट्टी लीड रोल में है। उसके साथ अमित शाह, कृषाल कपिला सहित कर्ल स्टार भी शामिल होने वाले हैं। रिलीज डेट की बात करें तो 17 नवंबर 2023 को ये फिल्म रिलीज होगी और नेटफ्लिक्स पर हमें ये देखने को मिल जाएगी। 7 नंबर पर आती है रेलवे मैन। इस सीरीज में आर माधवन, के मनन, देवद्यू शर्मा और बालिल खान है। इसमें भोपाल कांड को और दिखाया गया और नज़दीक से दिखाया गया है इन हीरोज की कहानी, जिसमें कई लोग नहीं जानते। रिलीज डेट की बात करें तो 18 नवंबर 2023 को ये फिल्म रिलीज होने वाली है, नेटफ्लिक्स पर हमें ये देखने को मिल जाएगी। 8वें नंबर की बात करें तो द ग्रेट इंडियन फैमिली, विकी कौशल की फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली 22 सितंबर 2023 को थिएटर में रिलीज होने वाली है। विजय कृष्ण आचार्य के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म अब प्राइम वीडियो और पर मौजूद है। इससे मानुषी छिल्लर, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा सहित कई जाने माने चेहरे भी शामिल है। प्राइम वीडियो पर हमें यह फिल्म देखने को मिल जाएगी। एक बार जाके सारी फिल्में ज़रूर देखिएगा।